So this is our street. Hey guys, welcome to another vlog. और आप लोग जा रहे हैं आप दूसरे प्लेस पे, और हमने अभी ली है एक बस जो तकरीबन पड़ती है पर पैसेंजर 61, और 61 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 रुपीज़ से, तो आपको तकरीबन ये पड़ेगी 720 रुपीज़। इसका बेनिफिट ये है इस टिकट का लेने का कि ये एक दिन के लिए वैलिड रहती है। एक दिन के वैलिड में आप यहाँ पर 4-5 लाइन है, 1, 2, 3, 7, 8, 9 समथिंग लाइन्स है, आप 24 आवर्स में किसी भी स्टॉप से उतर कर किसी भी दूसरे स्टॉप पे दूसरी लाइन की बस ले सकते हैं। तो ये सबसे बेनिफिट है इस टिकट लेने का। जब भी आप आए यहाँ पर ये वाली टिकट जरूर लें, क्योंकि इससे आप पूरे का पूरा सिंधाई का जो मेन साइट सीइंग है वो कवर कर सकते हैं 24 आवर्स में, और यहाँ तक कि आप 2 डेज का भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर 1 डे का हमने लिया क्योंकि हमारे को अभी टाइम नहीं है, हमारे पास 1 डे का ही टाइम बचा है, तो इसलिए हमने 1 डे का लिया। तो जहाँ पर भी मेरे बेस्ट सीन देखेंगे हम वहाँ पर उतर जाएंगे स्टैंड पे, और फिर वहाँ पर विजिट करेंगे, फिर दूसरी लाइन चेंज करनी होगी या दूसरी बस लेनी होगी दूसरी बस लेंगे। तो ये सो फ्रेंड्स, इस बस का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको जिस साइड जो व्यू या जो आपको प्लेस पसंद आए, आप इस बस को छोड़ के वो प्लेस विजिट कीजिए, अनदर फिर उसी लाइन से आप ऐसी ही दूसरी बस ले लीजिए सेम टिकट दिखा। गाइस देखिए हमारी बस चल पड़ी है, और आप देखिए व्यूज क्या व्यूज हैं, आप देखिए क्या व्यूज आ रहे हैं, मजा आ रहा है गाइस।
यहाँ पर आप सामने देखोगे रेड कलर का सिग्नल आपको दिखेगा आदमी का, इसका मतलब है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। जब ये ग्रीन हो जाएगा तभी आपको क्रॉस करना है, दोनों साइड में लोग खड़े रहेंगे, जब ये ग्रीन हो जाएगा तभी क्रॉस करेंगे। यहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत ही लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी निकल जाए, आप देखेंगे तो इसी वॉकिंग एरिया से ही जाएंगे लोग, ये नहीं कहीं लोग कहीं से भी क्रॉस करते हुए मिलेंगे रोड पे, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको सब वेट कर रहे हैं ग्रीन होने का। ये देखिए ग्रीन होने पे लोग निकल रहे हैं यहाँ से सारे के सारे। ये नैनजिंग स्ट्रीट रोड है जिसको शाम को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और किस तरह ये सिटी बिल्डअप हुई है। तो बने रहिए इस चैनल पे, बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको मैं इस चैनल के ब्लॉग्स के अंदर। गाइस मैंने पहले वाले ब्लॉग में उसी टावर से जो ओरिएंटल पर्ल टावर है वो है वहाँ से ब्लॉग बनाया था और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ से व्यू दिए थे पूरी पूरी। अब मैं उसके एकदम अपोजिट में रिवर क्रॉस करके आया हूँ, इसको बोलते हैं दादून इस प्लेस को, और यहाँ से मैं आपको डे टाइम में दिखा रहा हूँ कि किस तरह का व्यू है। आप ये देखिए नाइट में भी आएंगे हम लोग यहाँ पर और दिखाऊंगा कि किस टाइप से लाइटिंग होती है यहाँ पर और किस तरह से, इस टाइम आप डे टाइम का व्यू एंजॉय करिए, देखिए अल्टीमेट व्यू है गाइस, अल्टीमेट व्यू। सब लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अलग अलग व्यूज़ में अलग अलग एंगल से, और यहाँ पर टिकटॉकर्स तो इतने हैं कि आप पूछिए मत, आपको टिकटॉकर्स ही मिलेगी, चाहे छोटा है बड़ा है एज कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर टिकटॉकर भरे पड़े हैं और इतनी फ़ोटो खींच रहे हैं कि फ़ोटो वीडियोज़ तो मतलब कि पूरी की पूरी सेल्फी स्टिक ले लेकर अपना पूरा का पूरा ताम झाम जुगाड़ ले रखा है उन्होंने टिकटॉक की वीडियोस बनाने के लिए। मतलब यहाँ कोई कैमरा मतलब कि ऐसा नहीं कि डरते हैं कैमरे से या शाही कैमरा पर्सन से, नहीं सभी यहाँ कैमरे के शौकीन हैं और कैमरे पे हर कोई हर उम्र का कैमरा शूट ये बना रहा है वीडियोस बना रहा है, किसी को किसी का कोई वो नहीं है कि आज मुझे कौन कोई मुझे देख लेगा या क्या करेगा। शंघाई में एक बात है कंपेयर टू बीजिंग में, बीजिंग में तो 99.9% चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पर बीजिंग इस शंघाई में कम से कम आपको 90% चाइनीज़ है लैंग्वेज है, 10% फिर भी आपको लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रहते हैं और मल्टी कंट्रीज़ के टूरिस्ट स्पॉट है ये, तो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, तो यहाँ पर इन्हें लैंग्वेज मस्ट हो जाती है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत नॉलेज रखना, तो ऑब्वियसली सारे तो जानते नहीं है लेकिन कुछ परसेंट है जो 5-10% जो इंग्लिश जानते हैं थोड़ी थोड़ी और कुछ ज़्यादा, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा बेटर है बीजिंग के कंपेयर। बीजिंग में तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं है, आपको इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि काश चाइनीज ही सीख लेते थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पर बेटर है, यहाँ पर आपको लोगों से बात करते हुए ठीक लगेगा इंग्लिश में और लोग समझ भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा। मेरे लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं लाइन से, और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे नॉन वेजिटेरियन के लिए, वेज के लिए तो बहुत कम है, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप रात दिन पे इवनिंग में या नाइट में आ रहे हैं। आप कस्टमाइज करा सकते हैं जैसे सबवे पे पिज़्ज़ा आउटलेट्स पे या फिर बर्गर वगैरह पे भी। और ये देखो गाइस कितने हरे मतलब पेड़ पौधे लाल पत्तियाँ हरी पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पर डेकोरेट कर रखी है भाई सिटी को, तो पूरा मतलब ये ब्यूटीफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ है इन्होंने,
बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर रखी है सिटी को। ये देखो आप, ये देखो आप मेरे पीछे बैक साइड में देखिए, ये देखिए रेड लाइट से लेकर हर जगह सिटी, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल है आर्किटेक्ट वगैरह यहाँ पर। सो गाइस फाइनली हमारे को एक पिज़्ज़ा शॉप मिली है जहाँ पर वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे टॉपिंग के लिए। लकली ऑलमोस्ट 6 डेज 7 डेज के अंदर हमारे को, ये फर्स्ट टाइम हम आउटसाइड का खा रहे हैं जो वेजिटेरियन कुछ मिला है। तो गाइस ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। कैसा है पिज़्ज़ा फ्रेंड्स? ये पिज़्ज़ा टेस्टी है लेकिन जो पिज़्ज़ा हट में या डोमिनोज में हम खाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन टेस्टी है वेज लोडेड पिज़्ज़ा, इंजॉय। अब ये देखो ये लोहे के जो इन्होंने लगा रखे ना एंगल हर पेड़ के, तो ये पेड़ को सीधा रखने के लिए लगा रखे हैं। हर पेड़ की इन्होंने केयरिंग कर रखी है ऑलमोस्ट शिंगाई और बीजिंग में हर जगह आपको मिलेंगे जहाँ पर भी आपके पेड़ होंगे टूरिस्ट स्पॉट पे, ताकि पेड़ सीधे ना हो, ये ना हो कि वो फैल रहे हैं या गिर रहे हैं या बारिश की वजह से किसी तरह गिर जाए। हर पेड़ की केयरिंग कर रखी है अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि ये गिर रहे हैं या छोटे हैं या बड़े हैं, नहीं आप सारा देखिए। और यहाँ पर सफाई की इतनी केयरिंग करते हैं कि एक एक पत्तियाँ भी उठा रहे हैं, ये देखो डस्टबिन उठाकर डाल रहे हैं ये पत्तियाँ, एक एक जो सिगरेट का बग्स भी होता है वो भी उठाकर डाल देते हैं ताकि ये सिटी नीट एंड क्लीन रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे जितना सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ है उतना ही ज़्यादा इन्होंने अब नेचर को भी कंजर्वेटिव रखा हुआ है कि हमने बिल्डिंगें बना दी तो ऐसा नहीं है कि पेड़ कट गए थे, अब उन्होंने उतने ही ज़्यादा यहाँ पे पेड़ भी लगाए हुए हैं और उनकी केयर भी बहुत है। ये देखिए गाइस कितनी बड़ी बिल्डिंग है, स्टोन के पत्थर से बना रखी है। और ये देखिए ये है यिंगफिंग गैलेरिया, और ये देखिए गाइस ये है स्पोर्ट्स कार। हर जगह, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है अगर आप सामने देखोगे ओरिएंटल ऑल टावर है और स्ट्रीट के बीच में, तो फोटो काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए यहाँ पर सब मॉडलिंग के लिए रेडी हो रखे हैं, सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनवा रहे हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा फाउंटेन है पानी का यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा होटल है जिसकी इंट्रेंस है यहाँ पर द पेनिनसुला सिंघाई। और ये देखिए गाइस काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी है अगर आप देखेंगे तो, लोग भी अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं। ये देखिए आप मेरे सामने कितने कैमरा से को यूज़ करते हैं लोग, बड़े बड़े कैमरास को लेकर आए हैं अगर आप देखो, ये देखो देखिए मेरे सामने ये देखिए, क्योंकि इतना फोटोनिक सीन है। और ये देखिए यहाँ पर भी जो भी अपने फ़ोटो के लिए और बैड के लिए पूरे पूरे उसमें आए हैं किट लेकर, ये देखिए सैंडल लेकर जा रही है चप्पल, और ये देखिए हर कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है फ़ोटो सेल्फी पॉइंट। ये देखिए हर किसी के हाथ में कैमरे हैं और छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं अगर आप देखोगे तो। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितने सारे कैमरे हैं हर एज ग्रुप के पास, ये देखिए कितने बड़े कैमरे हैं हर किसी के पास कैमरे हैं, हर किसी के पास कैमरे हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या स्ट्रीट है, ये देखो गाइस हर कोई मॉडलिंग कर रहा है यहाँ पर स्ट्रीट के ऊपर है, ये स्ट्रीट है एक चलता फिरती यहाँ पर हर कोई मॉडलिंग करने में लगा हुआ है, अपने टिकटॉक के वीडियोस बना रहा है। ये देखो गाइस
ये सिटी अपने आप में ही कुछ डिफरेंट है, मतलब ना चाहकर भी लोग फोटो खींचना बहुत पसंद करेंगे, यहाँ पर वीडियोस बनाना पसंद करेंगे सेल्फी के लिए, और क्या बोलते हैं अपने प्रोफाइल चेंज करने के लिए, मतलब कि अलग ही एक वो है यहाँ पर, मतलब नज़ारे ही कुछ अलग मिलते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, जब लाइट जलेंगी इवनिंग में तब क्या सीन होगा पता नहीं। रोड क्रॉस करना है हमारे को, और वेट करते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई पिक पॉकेट वगैरह है कि आप कैमरा ले रहे कोई छीन कर लेगा भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, किसी तरह कोई क्राइम वो नहीं है मैंने देखा है। आपके कैमरे वगैरह सेफ है नहीं तो आपको तो पता ही है कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, कि अगर आपका कैमरा भी है तो हाथ में छीन कर भाग जाते हैं। बिल्कुल अकेले घूम रही होती है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि मतलब कोई मिस हैपनिंग हो जाए, सेफ ही फील हो रहा है अभी तक तो, एक दिन हो गया अभी भी। अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सब अपनी रेड लाइट का वेट कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई क्रॉस करके दूसरी लाइन में जा रहा है टेक ओवर कर रहा है किसी तरह, कुछ नहीं कर रहा, सब वेट कर रहे हैं कि रेड लाइट खुलेगी तभी जाएंगे, कोई टेक ओवर नहीं, कोई किसी गाड़ी को वो नहीं कर रहा, कोई हॉर्न नहीं आ रहा अभी तक, मैंने हॉर्न नहीं सुना यहाँ पर ना, शायद आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कोई हॉर्न बजा रहा है किसी तरह का, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड में हर कोई जा रहा है, पेशेंस है सब में, यही नहीं है कि शोर मचा रहा है बेफालतू में हॉर्न दिए जा रहा है, सब देख रहे हैं हॉर्न तो हार्डली हमने सुना है। तो यहाँ पर रोड क्रॉसिंग तो बहुत ही सेफ है, ये नहीं है कि आप आंख बंद करके चल रहे हो या कुछ कर रहे हो तो कोई आपको उड़ा कर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रेड लाइट है तो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट पे कोई आपको क्रॉस नहीं करेगा, ग्रीन रेड लाइट पे आप दूसरी साइड का बंदा वेट करेगा जब तक उसकी साइड की ग्रीन लाइट नहीं हो जाए, और रेड लाइट है तो ये नहीं है कि वो क्रॉस करके जा रहा वो वेट करेगा, तो आप मतलब क्रॉस करते वक्त एकदम सेफ है, बिल्कुल किसी तरह का डर नहीं है कि यार कोई उड़ाकर चला जाएगा या किसी तरह का कुछ होगा, बिल्कुल सेफ रहेंगे आप। बहुत ही अच्छे रूल और बहुत ही अच्छे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं ये लोग यहाँ पर। ये सिटी का ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट है, ये बिल्डिंग है जो काफ़ी पुरानी बनी हुई उस टाइम की, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है जो ऊपर से टच होकर तारों से टच होकर चलती है जैसे ट्रेन चलती है। गाइस चलते चलते ये एक रास्ता मिला है जो कुछ वेनिस कैनाल की तरह है, ठीक है आप देख सकते हो स्काईलाइन बिल्डिंग, और ये ब्रिज है एक छोटा सा, और इस साइड में भी ये है, और ये सामने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, और ये देखिए कितना प्यारा व्यूज़ है गाइस, जो यहाँ पर रहते हैं उनके तो मज़े आ जाते हैं। ब्रिज से उतरते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये एक फेरी आ रही है, इसमें कार की तरह बना रखी है इन्होंने, आप देख सकते हैं हर कोई एक डिफरेंट ड्रेस में आया है अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अलग अलग पोज देने के लिए, हर कोई लड़कियां चार चार पांच पांच ड्रेस लेकर आती हैं यहां पर चेंज करके फ़ोटो शूट्स करवाती है प्रॉपरली, ऐसा नहीं फ़ोटो शूट कैमरा के लिए लेते, खुद ही करती हैं, मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ या खुद के भाई के साथ या किसी के साथ या हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, और टिकटॉक पे पोस्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको इस शंघाई में नाइट व्यू का, आपको भी दिखेगा कि कितनी ये सिटी वाइब्रेंट है,
नाइट में और डे में दोनों का कॉम्बिनेशन ये डिफरेंट लगेगा आपको, राइट। ले चलता हूँ अभी वहीं पर ही हम लोग जा रहे हैं।